हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीखेंगे नीडल सिंदूरी लेस का डीएस फाइल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये डिज़ाइन मैंने ओपन करके रखा है। ओपन करने के बाद इसको मुझे एक बॉर्डर देना होगा, आउटसाइड बॉर्डर। तो सबसे पहले डिफरेंट कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में ये कंटूर टूल, वहाँ पर मुझे सेटिंग देना है ऊपर का 2 और नीचे वाला 2 पिक्सल, यानी कि ये पिक्सल और ये पिक्सल है वो हम व्यू के अंदर ऊपर उठा लेंगे, ताकि मेरा जो ये शेप है कंटिन्यूस देखे कटा हुआ ना हो। तो यहाँ पर ये इनसाइड दे दिया, यहाँ पर ऑल कर दिया। उसके बाद जिस कलर को मुझे इनसाइड देना है वहाँ पर क्लिक करना है, ये आ गए। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर ये मैंगो शेप है, वहाँ पर हम लेंगे साइडिंग का व्यू दोनों के अंदर, और ये जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पर हम लेंगे ट्विल। तो यहाँ से मैंने ये कलर ले लिया और यहाँ पर ये सिंगल कर दिया। यहाँ पर जो आपका मैंगो का शेप है यहाँ पर लेफ्ट साइड जा रहा है, तो यहाँ पर राइट एंगल आएगा, और यहाँ पर ये राइट एंगल जा रहा है तो यहाँ पर लेफ्ट एंगल आएगा। उसके हिसाब से दोनों में मैंने डिफरेंट कलर ले लिया। उसके बाद में मुझे जाना है टूल्स के अंदर, वहाँ से लेना है क्रिएट बार पैप डिज़ाइन, क्रिएट न्यू डेफिनेशंस। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर फाइल, फाइल के अंदर प्रोफाइल, प्रोफाइल में ओपन, यहाँ से आपको लेना है सी ड्राइव के अंदर है लाइब्रेरीज, और यहाँ पर बार पैप्ट, फिर बार पैप्ट प्रोफाइल, और ये वाला जो फाइल है उसको सिलेक्ट करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे वार्प सीक्वेंस एक ही देना है सिंगल बीम है तो। उसके बाद में ये बार यहाँ पर ऐड करना है, या ऑल सीक्वेंस में एक ही बीम है तो एक रहेगा, सीक्वेंस में डालना है 1। और जो भी कलर है आपका उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। ये आपका 2 कलर आ गया। यहाँ पर इतना हो जाने के बाद एक सीक्वेंस आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, यहाँ पर स्टार दे देना है। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके ये सारा सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, फिर ये सीक्वेंस में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट करना है। फिर ये जो लास्ट वाला सीक्वेंस है उसको आप डिलीट कर दीजिए, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई डेफिनेशन दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये विंडो बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है अप्लाई डेफिनेशन, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में फाइल सेव कर दीजिए, और यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट रहेगा डीएस फाइल, और यहाँ पर एस डॉट सिंगल बीम डीएस, और उसके बाद में डीएस फॉर्मेट, और उसके बाद में यहाँ पर सेव करना। ये हो गया आपका सिंगल बीम का डीएस फाइल। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।